और अभी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधान नरेंद्र मोदी मिलने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपति से, उस दौरान की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको गाड़ियों का पूरा काफिला दिखाया था जब राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हो रहे थे मोदी, और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नई सरकार के गठन का न्योता राष्ट्रपति देंगी, चूंकि एनडीए का विधिवत तरीके से अब नेता चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को, तो मोदी 3.0 की तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, शपथ ग्रहण की जो तमाम तैयारियां हो रही हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और उससे पहले जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं यानी सरकार बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जाते हैं उसी का एक हिस्सा, इसे आप कह सकते हैं राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात। और बाकायदा राष्ट्रपति उन्हें निमंत्रण देंगी कि आप सरकार बनाए, क्योंकि ना सिर्फ सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो नेता चुने गए हैं बल्कि एनडीए जो कि चुनाव से पूर्व गठबंधन हुआ था उस एनडीए का भी उन्हें नेता चुन लिया गया है। और उसके बाद अब राष्ट्रपति से जब मिलने के लिए पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू से, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और विधिवत अब उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को कि आप सरकार बनाए, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। एक एक तस्वीर, पूरी हलचल लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ना सिर्फ सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आपने देखे बल्कि उसके बाद से जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, हम हर जानकारी तस्वीरों के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चूंकि पिछली दो बार की जो सरकार रही उससे बहुत अलग इस बार की सरकार है, यह गठबंधन का दौर एक बार फिर से वापस लौट आया है, तो कहां किस कैंप में क्या चल रहा है वो जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। वो तमाम जानकारियां भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और फिलहाल ये राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा, और फिर शपथ ग्रहण समारोह की जो तमाम तैयारियां चल रही हैं उससे जुड़ा अपडेट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। सरकार की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि एक चीज तो तय मानी जा रही है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।